हम देखेंगे यहाँ पर दुर्घटना के बारे में। क्या है दुर्घटना, किस तरीके से दुर्घटना होती है, वो हम देखते हैं। दुर्घटना तो दुर्घटना की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है दुर्घटना की? तो ऐसी कोई भी घटना जिसमें रेल पथ, रेल इंजन, चल स्टॉक, स्थायी ढांचों को क्षति पहुंचती है। ऐसी कोई भी घटना जिसमें रेल पथ, रेल इंजन, चल स्टॉक या स्थायी ढांचे को क्षति पहुंचती है या क्षति पहुंचने की संभावना होती है, या ऐसी घटना जिसमें किसी व्यक्ति की जान को खतरा पहुंचता है या खतरा पहुंचने की संभावना होती है। किसी व्यक्ति की जान को या तो खतरा पहुंचता है या खतरा पहुंचने की संभावना होती है, अथवा ऐसी घटना जिसमें रेल संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी घटना जिसमें रेल संचालन में बाधा उत्पन्न होती है या बाधा होने की संभावना होती है, दुर्घटना कहते हैं। तो तीन परिस्थितियां हैं यहाँ पर कि ऐसी घटना जिसमें रेल पथ, रेल इंजन, चल स्टॉक या स्थायी ढांचे को क्षति पहुंचती है या पहुंचने की संभावना होती है, या ऐसी घटना जिसमें किसी व्यक्ति की जान को खतरा पहुंचता है या खतरा पहुंचने की संभावना होती है, अथवा ऐसी घटना जिसमें रेल संचालन में बाधा पहुंचती है या बाधा पहुंचने की संभावना होती है, वो हमारा कहलाएगा दुर्घटना। अब दुर्घटना में भी हम क्या करते हैं, सांख्यिकी के आधार पर यहाँ पर हम देखें, दुर्घटना सांख्यिकी के लिए दुर्घटनाओं का वर्गीकरण है यहाँ पर किया गया है, ए वी सी डी, यानी ए से आर तक सांख्यिकी के लिए दुर्घटनाओं का वर्गीकरण किया गया है, ए से आर तक। लेकिन इसमें आई और ओ इसको शामिल नहीं किया गया है, आई और ओ को शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं ओ और इसमें इसको फाइव, यानी फाइव को शामिल नहीं किया गया, तो हम कह सकते हैं आई और ओ को शामिल नहीं किया गया है। अब दुर्घटनाओं के वर्गीकरण हम देखते हैं, यानी कौन कौन से भागों में दुर्घटनाओं को बांटा गया है। तो वर्गीकरण में हम याद रख सकते हैं यासुजी, यासु जी, इससे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। या वाई फोर यार्ड दुर्घटना, तो एक है हमारी यार्ड दुर्घटना जो यार्ड में होती है, यार्ड दुर्घटना है। ए फोर है असाधारण दुर्घटना, ए फोर क्या है हमारी असाधारण दुर्घटना, असाधारण दुर्घटना। फिर एस फोर क्या है हमारी सांकेतिक दुर्घटना, सांकेतिक दुर्घटना। फिर यू यू फोर क्या है हमारी उपस्कर की जो खराबी है, उपस्कर खराबी, ये भी दुर्घटना माना जाएगा। और जी जी फोर है हमारी गाड़ी दुर्घटना, गाड़ी दुर्घटना। तो ये पांच प्रकार की दुर्घटना है। अब हम देखें गाड़ी दुर्घटना में भी दो तरह की दुर्घटनाएं आती हैं। तो गाड़ी अपनी है तो आप से हम याद रख सकते हैं, गाड़ी किसनी है, अपनी है, तो अपनी मतलब आप से दो तरह की दुर्घटना हो जाएंगी। एक तो परिणामी, F4 अन्य गाड़ी दुर्घटना, अन्य गाड़ी दुर्घटना, और P4 परिणामी दुर्घटना, परिणामी दुर्घटना। अब परिणामी जो दुर्घटना है ये हमारी पांच प्रकार की होती है, परिणामी दुर्घटना। अब परिणामी दुर्घटना है पांच प्रकार की होती है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे TASTV है, तो इसको हम रख सकते हैं दास टीवी से याद रख सकते हैं परिणामी दुर्घटना, चार पांच प्रकार की होती है दास टीवी।
इससे हम परिणामी दुर्घटना को याद रख सकते हैं। अब दाश टीवी में कौन कौन सी दुर्घटनाएं आ जाएंगी हमारी? जैसे सबसे पहले डी डी फोर है डिरेलमेंट, तो डिरेलमेंट गाड़ी का होता है डिरेलमेंट। ए फोर है हमारी आग दुर्घटना, आग लग जाती है गाड़ी में। एस एस फोर है हमारी संपार, संपार। टी टी फोर है टक्कर, और वी वी फोर है विविध। तो ये हमारी परिणामी दुर्घटना हो जाएगी। दाश टीवी और गाड़ी दुर्घटना में आ जाता है आप में आ जाता है अन्य गाड़ी दुर्घटना। ए फोर अन्य गाड़ी दुर्घटना, पे फोर परिणामी दुर्घटना। अब बात करते हैं हम सांकेतिक दुर्घटना की। यार दुर्घटना तो यार दुर्घटना ही रहती है, सांकेतिक दुर्घटना की बात करते हैं। सांकेतिक दुर्घटना क्या है? तो सांकेतिक दुर्घटना में हमारी तीन प्रकार की दुर्घटनाएं हैं सांकेतिक दुर्घटना में। अब तीन प्रकार की दुर्घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो NVR से हम याद रख सकते हैं, सांकेतिक दुर्घटना मतलब कि नहीं होनी चाहिए, NVR। तो N से याद रख सकते हैं निवारित टक्कर, तो NTVR रह सकते हैं NTVR, NVR ही रह सकते हैं। सबसे पहले निवारित टक्कर N N4 निवारित टक्कर। V4 ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन NVR। R4 है रोक सिग्नल को ऑन में पार करना, रोक सिग्नल को ऑन में पार करना, ऑन में पार करना। ये हमारी सांकेतिक दुर्घटना में जाएगी, निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन और रोक सिग्नलों को ऑन में पार करना। अब इनमें सबसे पहले हम देखते हैं गाड़ी दुर्घटना क्या है। गाड़ी दुर्घटना, तो सबसे पहले हम देखेंगे गाड़ी दुर्घटना क्या है। तो ऐसी दुर्घटना जिसमें एक गाड़ी शामिल होती है गाड़ी दुर्घटना कहलाती है, जिसमें गाड़ी शामिल होनी चाहिए। तो ऐसी दुर्घटना जिसमें एक गाड़ी शामिल होती है गाड़ी दुर्घटना कहलाती है। गाड़ी दुर्घटना दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? अब गाड़ी दुर्घटना हमने देखी थी, गाड़ी में क्या होता है, आप अपनी गाड़ी है तो आप है, तो यानी कि परिणामी गाड़ी दुर्घटना, टी से परिणामी गाड़ी दुर्घटना होती है, और ऐसे अन्य गाड़ी दुर्घटना होती है। परिणामी गाड़ी दुर्घटना क्या होती है, अन्य गाड़ी दुर्घटना क्या होती है, वो हम देखेंगे। परिणामी गाड़ी दुर्घटना में हम देखते हैं सबसे पहले, तो परिणामी गाड़ी दुर्घटना में ऐसी दुर्घटनाएं शामिल होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। परिणामी गाड़ी दुर्घटना में वो दुर्घटनाएं आएंगी जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, किसी व्यक्ति को मानवीय चोट पहुंची हो, मानवीय चोट, तो वो परिणामी गाड़ी दुर्घटना में आएंगी। ऐसी गाड़ी दुर्घटना यानी गाड़ी की ऐसी दुर्घटना में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, मानवीय चोट पहुंची हो, रेल संपत्ति को नुकसान हुआ हो, रेल संपत्ति को नुकसान हुआ हो, या रेल यातायात में बाधा उत्पन्न हुई हो, रेल यातायात में बाधा उत्पन्न हुई हो, वो हमारी कहलाएगी परिणामी गाड़ी दुर्घटना। अब कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनको परिणामी गाड़ी दुर्घटना कहते हैं? तो परिणामी गाड़ी दुर्घटना में आ जाती है हमारी, जैसे परिणामी गाड़ी दुर्घटना में हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या है, परिणामी गाड़ी दुर्घटना परिणाम किसका बन रहा है, दाश टीवी का परिणाम पढ़ते हैं। तो परिणामी गाड़ी दुर्घटना में आ जाता है दाश टीवी, दाश टीवी। अब टी से देखें हम टक्कर, तो टक्कर में आ जाता है हमारा A1 से A4 श्रेणी के जो सभी मामले हैं वो टक्कर में आ जाते हैं, T4 टक्कर। अब फिर A4 आग, आग में आ जाते हैं हमारे B1 से B4,
B1 से V4 के हैं, ये हमारे आ जाते हैं आग में। नेक्स्ट हम देखें, एक आता है हमारे पास में S, S फोर संपार, तो C से आ जाता है, C1 से C4 के मामले S में आ जाएंगे, संपार C1 से C4 श्रेणी के मामले हैं, इस श्रेणी में आ जाते हैं। फिर D से आ जाता है डिरेलमेंट, D1 से D4 श्रेणी के, डिरेलमेंट D1 से D4 श्रेणी के आ जाते हैं इसमें डिरेलमेंट में। और B से आ जाता है विविध, विविध में हमारे जाते हैं E1 श्रेणी के सभी मामले आ जाते हैं, E1 श्रेणी के सभी मामले। तो ABCDE तो हो गया हमारा दास टीवी के अंदर परिणामी गाड़ी दुर्घटना में। अन्य गाड़ी दुर्घटना में क्या आएंगी, वे सभी शेष गाड़ी दुर्घटनाएं जो परिणामी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा में शामिल नहीं हैं वो अन्य में आ जाएंगी। तो अन्य गाड़ी दुर्घटना हम देखें, वे सभी शेष दुर्घटनाएं जो परिणामी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा में नहीं हैं, परिणामी गाड़ी दुर्घटना की परिभाषा में नहीं है, दुर्घटना की परिभाषा में नहीं है, वो सभी आ जाती है हमारी अन्य गाड़ी दुर्घटना के अंदर। अब बात करते हैं यार्ड दुर्घटना, क्या है हमारी यार्ड दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना क्या है। तो यार्ड दुर्घटना में हम देखते हैं कि यार्ड में होने वाली वे सभी दुर्घटनाएं जिनमें गाड़ी शामिल नहीं है, जिसमें गाड़ी शामिल नहीं हो, जैसे कि डिब्बों को जोड़ करके गाड़ी बनाई जा रही है, एक इंजन इधर से डिब्बा ले रखे आ रहा है, एक वैगन को इधर से इंजन लेके आ रहा है, दोनों में टक्कर हो जाती है, इसमें गाड़ी शामिल नहीं है, या दो डिब्बे आपस में टकरा जाते हैं, दो वैगन आपस में टकरा जाते हैं। तो यार्ड में होने वाली वे सभी घटनाएं जिसमें गाड़ी शामिल नहीं है उनको यार्ड दुर्घटना कहते हैं। और यार्ड दुर्घटना कौन सी श्रेणी में आती है, यार्ड दुर्घटना आती है हमारी A5, V7, C9, D6। तो ABCD 5796, 5796, 5796 C9 और D6, तो ये यार्ड दुर्घटना में आ जाती हैं। अब बात करते हैं सांकेतिक दुर्घटना, किसकी बात करते हैं हम, सांकेतिक दुर्घटना, तो तीसरी है हमारी सांकेतिक दुर्घटना। तो तीन प्रकार की दुर्घटनाएं आती हैं यहाँ पर, यह वास्तव में घटित होने वाली दुर्घटना नहीं है, तो ये घटित होने वाली नहीं है, वास्तव में घटित होने वाली दुर्घटना नहीं है, बल्कि संभावित खतरे हैं, यानी दुर्घटना की संभावना होती है, वास्तव में ये दुर्घटना होती नहीं है, दुर्घटना की संभावना होती है, यानी कि ये संभावित खतरे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, लेकिन दुर्घटना घटित होने का आभास होता है, इसमें ऐसा लगता है जैसे दुर्घटना घटित हुई हो, दुर्घटना घटित होने का आभास होता है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, इसमें शामिल है हमारी निवारित टक्कर, निवारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, और पहला है निवारित टक्कर, दूसरा है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, तीसरा है लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल पार करने के मामले, लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल पार करने के मामले,
लोको पायलट ने खतरा सिग्नल पार कर लिया है तब। तो सांकेतिक दुर्घटना में हम कैसे जा सकते हैं? रोग सिग्नल को ऑन स्क्रीन पार करना, NVR से हमने याद किया था इसको, कि निर्धारित टक्कर, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, या रोग सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना, या लोको पायलट की तरह खतरा सिग्नल पार करने का मामला। तो ये लास्ट वाली जो है हमारी, लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल को ऑन में पार करना, ये कहलाता है हमारा स्पार्ड, यानी स्पार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? स्पार्ड की फुल फॉर्म होती है सिग्नल पास्ड एट डेंजर, यानी खतरा सिग्नल को ऑन में पार करना। तो ये हमारी आती है EFG के अंदर, EFG के अंदर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब बात करते हैं निवारित टक्कर की। तो EFG में हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा किसमें दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं निवारित टक्कर, निवारित टक्कर क्या है। निवारित टक्कर, तो निवारित टक्कर जिसका निवारण किया जा सके, तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सतर्कता के कारण, किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सतर्कता के कारण ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन सीमा में, ब्लॉक सेक्शन में या फिर स्टेशन सीमा में। तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सतर्कता के कारण ब्लॉक सेक्शन या स्टेशन सीमा में, गाड़ी या गाड़ी के बीच, गाड़ी या गाड़ी के बीच, या फिर गाड़ी या अवरोध के बीच, गाड़ी या अवरोध के बीच होने वाली टक्कर बच जाए, तो ऐसी घटना को निर्धारित टक्कर कहते हैं। और इसका वर्गीकरण F में किया गया है निर्धारित टक्कर का। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सतर्कता के कारण, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सतर्कता के कारण ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन सीमा में, गाड़ी या गाड़ी के बीच और गाड़ी या अवरोध के बीच होने वाली टक्कर बच जाए, तो ऐसी घटना को निवारित टक्कर कहते हैं। और इसका वर्गीकरण F में किया गया है। अब कुछ घटनाएं हैं जिनको निवारित टक्कर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन सीमा है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको निवारित टक्कर नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी घटनाएं जिनको निवारित नहीं मानेंगे, निवारित नहीं माना जाएगा। पहला है स्टेशन सीमा के बाहर, स्टेशन सीमा के बाहर, स्टेशन सीमा के बाहर की बात करें हम, तो पूरी तरह से गाड़ी रुक जाने के बाद, गाड़ी और गाड़ी या गाड़ी और अवरोध के बीच 400 मीटर की दूरी या 400 मीटर से अधिक हो, 400 मीटर के इक्वलेंट हो या फिर ज़्यादा हो, तो स्टेशन सीमा के बाहर पूरी तरीके से गाड़ी रुक जाने के बाद में, गाड़ी या गाड़ी स्टेशन सीमा के बाहर पूरी तरीके से जब गाड़ी रुक जाती है, तो गाड़ी रुक जाने के बाद में गाड़ी और गाड़ी क्या हो सकता है, गाड़ी और गाड़ी या फिर गाड़ी और अवरोध के बीच में 400 मीटर या 400 मीटर से अधिक की दूरी बच जाती है, तो वो निवारी टक्कर नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात करें स्टेशन सीमा की, स्टेशन सीमा में, स्टेशन सीमा में क्या है, स्टेशन सीमा में जब गाड़ी और गाड़ी के बीच या गाड़ी और अवरोध के बीच में कोई रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो और लोको पायलट के द्वारा उसका पालन किया जाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गाड़ी या गाड़ी के बीच में या गाड़ी और अवरोध के बीच में स्टेशन सीमा में कोई रोक सिग्नल है, और उस रोक सिग्नल का लोको पायलट ने क्या किया है, पालन किया है। तो जब उस रोक सिग्नल का ऑन स्थिति में लोको पायलट उसका पालन करता है, तो वो भी यहाँ पर निवारी टक्कर नहीं माना जाएगा। अब दूसरा देखते हैं ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ये हमारी सांकेतिक दुर्घटना का दूसरा प्रकार है,
ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन क्या होता है? ब्लॉक नियमों का उल्लंघन तो कुछ परिस्थितियां हैं जिनको ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और इनका वर्गीकरण किसमें किया गया है? एफ जी, जी में ब्लॉक नियमों के उल्लंघन का वर्गीकरण किया गया है। तो एनवीआर से हमने याद किया था एफ जी एच, तो ये जी में आता है। तो ब्लॉक नियमों के उल्लंघन में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनको ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा? पहला हम देखें कि गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश करना। गाड़ी अगर ब्लॉक सेक्शन में बिना प्रस्थान प्राधिकार के अगर प्रवेश कर जाती है तो उसको ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा हम देखें, गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश, बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के अगर गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश कर जाती है, या फिर अगर गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में बिना प्रस्थान प्राधिकार के भी प्रवेश कर जाती है तो उसको ब्लॉक सेक्शन ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तीसरा है गाड़ी का गलत लाइन में प्रवेश। अगर गाड़ी गलत लाइन में प्रवेश करती है तो उसको भी ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। चौथा है गाड़ी का कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग और सैंड हम्प में प्रवेश। गाड़ी का कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग, कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग व सैंड हम्प में प्रवेश। तो गाड़ी का कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग या सैंड हम्प में प्रवेश करना ब्लॉक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। फिर हम देखें लोको पायलट द्वारा खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना। लोको पायलट द्वारा खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना, खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना, लोको पायलट द्वारा खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना हो तो क्या करते हैं? तो इसको एफ जी एच, एच वन और एच टू में माना जाएगा। यहाँ पर एच वन और एच टू, तो सवारी गाड़ी के द्वारा खतरा सिग्नल बिना उचित प्राधिकार के पार करना। अगर सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी खतरा सिग्नल को ऑन स्थिति में बिना उचित प्राधिकार के पार कर जाती है तो उसको हम कहेंगे कि लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल को ऑन स्थिति में पार किया गया है, और ये हमारी सांकेतिक दुर्घटना माना जाएगा। दूसरा, सवारी गाड़ी के अलावा कोई अन्य गाड़ी है वो खतरा सिग्नल को बिना उचित प्राधिकार के पार कर जाती है तो वो एच टू श्रेणी में आएगा, और ये भी हमारी क्या होगी? सांकेतिक दुर्घटना के अंदर आएगा। लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना यहाँ पर सांकेतिक दुर्घटना के अंदर आएगा। अब बात करते हैं लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के कारण क्या क्या हैं, कौन कौन से कारण हैं? तो जब भी यहाँ पर ऑन कंडीशन में या ऑन स्थिति में खतरा सिग्नल को पार करना तो लोको पायलट के द्वारा खतरा सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के कारण क्या क्या हैं? पहला है गाड़ी में अपर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर का होना। गाड़ी में अपर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर का होना, ब्रेक पावर, गाड़ी में अपर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर होना। दूसरा क्या है? लोको पायलट के द्वारा सिग्नल के संकेत का पालन नहीं करना। सिग्नल के संकेत का पालन नहीं करना, पालन
नहीं करना, लोको पायलट सिग्नल के संकेत का पालन नहीं करेगा तब भी ऑन कंडीशन में खतरा सिग्नल को पार कर सकता है। तीसरा कारण हो सकता है रनिंग रूम में या लोको पायलट के द्वारा रनिंग रूम में या अपने आवास पर पर्याप्त आराम नहीं कर पाना, पर्याप्त आराम नहीं कर पाना। तो लोको पायलट के द्वारा रनिंग रूम में या अपने आवास में पर्याप्त आराम नहीं करना। चौथा है गति का अधिक होना, ओवर स्पीड, ओवर स्पीड गति का अधिक होना, गति का अधिक होना ये कारण हो सकता है। पांचवा है अति आत्मविश्वास होना, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। छठवा है कार्य के अधिक घंटे, ओवर वर्किंग आवर्स, ओवर वर्किंग आवर्स, कार्य के अधिक घंटे, कार्य के अधिक घंटे, ओवर वर्किंग आवर्स, ओवर वर्किंग आवर्स है, आदि कार्य के हैं अधिक घंटे हैं। फिर है उचित समय से ब्रेक नहीं लगना या ब्रेक ना लग पाना, सातवां कारण है ये। उचित समय से ब्रेक नहीं लगना या ब्रेक ना लग पाना, ब्रेक ना लग पाना। फिर है सिग्नल का न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं देना, सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं देना वो भी कारण हो सकता है। अगला कारण हो सकता है सिग्नल का सही तरीके से नहीं पुकारना, सिग्नल को सही तरीके से नहीं पुकारा गया है तो भी यहाँ पर लोको पायलट है सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकता है। और सिग्नल के पास तेज प्रकाश होना भी कारण हो सकता है, सिग्नल के पास तेज प्रकाश होना, सिग्नल के पास तेज प्रकाश का होना। अगला कारण हो सकता है इंजन में खराबी होना, इंजन में खराबी भी यहाँ पर कारण हो सकता है। अब अगली हम दुर्घटना देखते हैं उपस्कर खराबी, क्या है उपस्कर खराबी, उपस्कर खराबी, उपस्कर खराबी में क्या रहता है। तो उपस्कर खराबी में हम देखते हैं कोई उपकरण खराब माना जाएगा यदि जब वह निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारित कार्य करने के योग्य ना हो, यानी कोई भी उपस्कर खराब कब माना जाएगा, निर्धारित समय सीमा के अंदर, निर्धारित समय सीमा के अंदर, निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारित कार्य करने के योग्य ना हो, निर्धारित कार्य करने के योग्य ना हो तो हम कह सकते हैं उपस्कर खराबी में क्या होता है, कोई उपकरण खराब माना जाएगा यदि जब वह निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारित कार्य करने के योग्य ना हो, अर्थात इंजन, चल स्टॉक, रेल पथ, OHE, SNT आदि का खराब हो जाना इसमें शामिल है। तो क्या क्या खराब होना शामिल है इसमें, इंजन, चल स्टॉक, रेल पथ, OHE, SNT, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन आदि खराब हो जाना इसमें शामिल है। इसका वर्गीकरण किसमें किया गया है, जे के चाल स्टॉक होगा तो के, इंजन खराब होगा तो जे के, एल एल अगर रेल पथ खराब है तो एल, OHE खराब है तो एम, इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसका वर्गीकरण किसमें किया गया है, जे के एल एम, जे के एल एम, एच के बाद में आई है नहीं है यहाँ पर, आई के छोड़ दिया, जे के एल एम, फिर ओ को भी छोड़ दिया है। फिर आ जाता है असामान्य घटनाएं, क्या आ जाता है हमारा,
असामान्य घटना में आता है। इसमें कानून एवं व्यवस्था से संबंधित तथा प्राकृतिक आपदा से संबंधित वे मामले आते हैं जिनमें परिणाम स्वरूप रेलगाड़ी दुर्घटना नहीं हुई हो। तो इसमें क्या जाते हैं, असामान्य दुर्घटनाओं में कानून एवं व्यवस्था से संबंधित, कानून एवं व्यवस्था से संबंधित, से संबंधित। तो इसमें कानून एवं व्यवस्था से संबंधित तथा प्राकृतिक आपदा से संबंधित, कानून एवं व्यवस्था संबंधित तथा प्राकृतिक आपदा से संबंधित, प्राकृतिक आपदा से संबंधित। तो असामान्य घटनाओं में वे घटनाएं आती हैं जिसमें कानून एवं व्यवस्था से संबंधित तथा प्राकृतिक आपदा से संबंधित आते हैं असामान्य घटना में, जिनके परिणाम स्वरूप गाड़ी दुर्घटना नहीं हो। तो असामान्य घटनाओं में हम कह सकते हैं इसमें कानून एवं व्यवस्था से संबंधित तथा प्राकृतिक आपदा से संबंधित वे मामले आते हैं जिनके परिणाम स्वरूप गाड़ी दुर्घटना नहीं हो। इनका वर्गीकरण जो किया गया है वो किया गया है NPQR में, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, गाड़ी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, इनमें गाड़ी दुर्घटना नहीं होती है, गाड़ी दुर्घटना ना हो। तो इसमें कानून एवं व्यवस्था से संबंधित एवं प्राकृतिक आपदा से संबंधित वे मामले आते हैं जिनके परिणाम स्वरूप गाड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, इनका वर्गीकरण NPQR में किया गया है। अब बात करते हैं हम गंभीर दुर्घटना की, बात करते हैं गंभीर दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना क्या है। तो गंभीर दुर्घटना में हम देखते हैं कि गंभीर दुर्घटना में हम देखते हैं ऐसी दुर्घटना जो किसी यात्री गाड़ी के साथ हुई हो या यात्री गाड़ी के द्वारा हुई हो। तो गंभीर दुर्घटना हम क्या देखते हैं, पहली तो यात्री गाड़ी के साथ हुई हो या फिर यात्री गाड़ी के द्वारा हुई हो। ऐसी दुर्घटना जो किसी यात्री गाड़ी के साथ हुई हो या फिर यात्री गाड़ी के द्वारा हुई हो। तो इसमें पहला है कि LIFE, लाइफ, लाइफ मतलब किसी यात्री की मृत्यु हुई हो तो वो गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। दूसरा कि किसी यात्री को IPC की धारा 320 के अंतर्गत गंभीर चोट लगी हो, इंजरी, I4 इंजरी, यानी किसी यात्री को IPC की धारा 320 के तहत क्या लगी हुई हो, गंभीर चोट लगी हुई हो, इंजरी हुई हो। आई से इंजरी, एल से लाइफ, आई से इंजरी, गंभीर चोट लगी हो। तीसरा है एफ, एफ फॉर फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब कि, और इससे हम मान लेते हैं कोई अन्य एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दुर्घटना, तो एफ से मान लेते हैं फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब रेल संपत्ति को 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ हो, 2 करोड़ रुपए से अधिक, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ हो तो भी वो गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी। दूसरा यात्री गाड़ी के अलावा E4 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हम देखते हैं कोई भी दुर्घटना जिसकी जांच, जिसकी जांच, ई से इंक्वायरी हम मान सकते हैं इंक्वायरी, कोई भी दुर्घटना, तो लाइफ यहाँ पर कोड बन जाएगा, एल से लाइफ मृत्यु, आई से इंजरी कोई भी चोट लगी है IPC धारा 320 के तहत, F4 फाइनेंशियल और E4 इंक्वायरी जांच, उसकी कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई भी दुर्घटना जिसकी जांच CCRS या CRS की राय में, CRS के द्वारा होनी चाहिए।
ऐसी कोई भी दुर्घटना जिसकी जांच सीसीआरएस और सीआरएस की राय में सीआरएस के द्वारा होनी चाहिए गंभीर दुर्घटना कहते हैं। अब गंभीर दुर्घटना में कुछ अपवाद भी आ जाते हैं। कौन कौन से अपवाद हैं जिनको गंभीर दुर्घटना नहीं माना जाएगा? तो अपवाद में हम देखते हैं, अनाधिकृत रूप से लाइन पार करते समय स्वयं की लापरवाही से। अगर कोई व्यक्ति है अनाधिकृत रूप से लाइन पार कर रहा है, लाइन पार करने के लिए ब्रिज बनाए गए हैं, ब्रिज से लाइन पार करना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, अनाधिकृत रूप से लाइन पार करते समय स्वयं की लापरवाही से यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या मर जाता है, या स्वयं की लापरवाही से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या मर जाता है, तो ऐसे मामले को गंभीर दुर्घटना हम नहीं मानेंगे। दूसरा है कि गाड़ी के फुटबोर्ड, छत या बफर पर यात्रा करता है, बफर, छत या फुटबोर्ड, तो हम कह सकते हैं कि रेल कर्मचारी अथवा वैध टिकट या पास वाले व्यक्ति गाड़ी के फुटबोर्ड पर यात्रा करता है, छत पर यात्रा करता है या बफर पर यात्रा करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं, या अथवा संपार पर गाड़ी के द्वारा कुचल जाने के कारण, संपार पर भी मान लीजिए पार कर रहे हैं, संपार पर गाड़ी के द्वारा कुचल जाने के कारण ये गंभीर दुर्घटना में नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेल कर्मचारी अथवा वैध टिकट या वैध पास वाला व्यक्ति गाड़ी के फुटबोर्ड पर, छत अथवा बफर पर यात्रा करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं, अथवा संपार पर गाड़ी के द्वारा कुचल जाने के कारण गंभीर दुर्घटना नहीं कहलाएंगे। तीसरा अपवाद है यहाँ पर, वो क्या है, संपार की ऐसी दुर्घटना जिसमें न तो कोई व्यक्ति मरा है, संपार की ऐसी दुर्घटना जिसमें ना तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है संपार की में, और ना ही किसी को घातक चोट लगी है, घातक चोट, लेकिन उसकी जांच है किसके नजर में, सीसीआरएस और सीआरएस की राय में इसकी जांच होनी चाहिए, तो ऐसी दुर्घटना को यहाँ पर गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। संपार की कोई घटना है जिसमें ना तो कोई आदमी मरा है, ना ही कोई घायल चोट, घातक चोट लगी है, यानी घातक चोट भी नहीं है, ना ही कोई संपार पर मरा है, संपार की ऐसी घटना है जिसमें ना तो कोई व्यक्ति मरा है, ना ही किसी को घातक चोट लगी है, लेकिन यदि सीसीआरएस और सीआरएस की राय में उसकी जांच होनी चाहिए, तो ऐसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। अब हम देखें आईपीसी की धारा 320 में कौन कौन सी घातक चोटें हैं। आईपीसी की धारा 320 में घातक चोट कौन कौन सी हैं, घातक चोट, तो पहली है किसी की आँख, एक आँख की दृष्टि का नष्ट हो जाना, कोई व्यक्ति की एक आँख खत्म हो जाती है, एक आँख की दृष्टि का नष्ट हो जाना। दूसरी है किसी के कान की सुनने की शक्ति का नष्ट हो जाना, कान की सुनने की शक्ति अगर किसी व्यक्ति की नष्ट हो जाती है। तीसरा है हड्डी का टूट जाना, हड्डी का टूट जाना। चौथा है दांत का टूट जाना, दांत का टूट जाना। पांचवा है जोड़ का सरक जाना, किसका, जोड़ का सरक जाना। छठवा है किसी अंग का स्थायी रूप से अलग हो जाना, अंग है स्थायी रूप से अलग हो गया है, तो किसी अंग का स्थायी रूप से अलग हो जाना। सातवा है नपुंसक हो जाना, क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाना। आठवां है स्थायी रूप से चेहरा विकृत हो जाना, स्थायी रूप से चेहरा क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो स्थायी रूप से चेहरा विकृत हो जाना। नौवां कारण है ऐसी चोट जिसके कारण घायल व्यक्ति को 20 दिन तक गहरी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़े, तो ऐसी चोट जिसके कारण घायल व्यक्ति को 20 दिन तक, ऐसी चोट जिसके कारण घायल व्यक्ति को 20 दिन तक गहरी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़े, गहरी शारीरिक पीड़ा,
तो ऐसी चोट जिसके कारण घायल व्यक्ति को 20 दिन तक गहरी शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़े और वह अपना सामान्य कार्य न कर सके। अगला है हमारा साधारण चोट। क्या है साधारण चोट? साधारण चोट में क्या आता है? किसी भी व्यक्ति की चोट को साधारण चोट माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, उसकी चोट को क्या माना जाएगा? साधारण चोट माना जाएगा। यदि वह दुर्घटना होने के बाद इन चोटों के कारण 48 घंटे के अंदर अपना दैनिक कामकाज तो किसी भी व्यक्ति की चोट को साधारण चोट माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति की चोट को साधारण चोट माना जाएगा यदि वह दुर्घटना होने के बाद इन चोटों के कारण 48 घंटे के अंदर अपना दैनिक कामकाज करने में सक्षम हो जाए। दूसरा है घायल। घायल क्या है? किसी रेल कर्मचारी को घायल माना जाएगा। किसी रेल कर्मचारी को क्या माना जाएगा? घायल माना जाएगा। रेल कर्मचारी, तो किसी रेल कर्मचारी को घायल माना जाएगा यदि चोट लगने के कारण वह 48 घंटे की अवधि तक काम पर वापस न आ सके। 48 घंटे की अवधि तक, तो हम कह सकते हैं कि किसी रेल कर्मचारी को घायल माना जाएगा यदि चोट लगने के कारण वह 48 घंटे की अवधि तक काम पर वापस ना आ सके, तो वो कहलाएगा हमारा घायल। अब हम बात करते हैं दुर्घटना के समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य। क्या कर्तव्य हैं दुर्घटना के समय? तो दुर्घटना के समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कर्तव्य क्या हैं? जैसे ही लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट को दुर्घटना का पता लगता है, वे तुरंत कौन कौन सी कार्यवाही करते हैं? पहला है फ्लैशर लाइट। क्या है? फ्लैशर लाइट में हम देखें कि इंजन की फ्लैशर लाइट को वो ऑन करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किस तरीके से याद करेंगे, फ्लैशर लाइट सीटी बजा करके बचाव किया जाता है, तो इसे याद कर सकते हैं फ्लैशर सीटी बचाव। तो फ्लैशर लाइट सीटी से वो बचाव करेगा और सूचना देकर तकनीकी रूप से मदद करेगा। सूचना देकर तकनीकी रूप से मदद करेगा, तकनीकी रूप से मदद करेगा। तो ऐसे आ सकते हैं फ्लैशर लाइट, तो सबसे पहले फ्लैशर लाइट ऑन करेगा। तो हम कह सकते हैं इंजन की फ्लैशर लाइट को ऑन कर दिया जाएगा तथा हेडलाइट को बंद कर दिया जाएगा। यदि फ्लैशर लाइट काम नहीं कर रही है तो हेडलाइट का प्रयोग है फ्लैशर लाइट की तरह किया जाएगा। फ्लैश सीटी, तो सीटी में क्या है? सामने से आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को खतरे की जानकारी देने तथा सावधान करने के लिए बार बार खतरे की सीटी। सीटी क्या है? छोटी, तो बार बार छोटी सीटी बजाया जाएगा। बार बार खतरे की छोटी सीटी बजाया जाएगा। तीसरा है बचाव, कि GR 6.03 व SR 6.03-1 इसके अनुसार पहले बाजू वाली लाइन और बाद में अपली लाइन का बचाव करेगा। तो हम कह सकते हैं GR 6.03 तथा SR 6.03-1 के अनुसार पहले बाजू वाली लाइन का बचाव किया जाएगा। बाजू वाली लाइन के बचाव के बाद में फिर अपनी लाइन का यहाँ पर बचाव किया जाएगा और उपलब्ध साधनों से गार्ड को सूचित करेगा। उपलब्ध साधनों से क्या करेगा? गार्ड को वो सूचित करेगा। फिर हम देखते हैं बचाव के बाद में सूचना देना, वो क्या करेगा? सूचना देगा। तो
सूचना में वो क्या करेगा, उपलब्ध साधनों के माध्यम से कंट्रोलर रूम यानी नियंत्रण कक्ष, कंट्रोलर रूम नियंत्रण कक्ष एवं स्टेशन मास्टर को दुर्घटना की जानकारी देगा। जो भी उसके पास उपलब्ध साधन हैं उन उपलब्ध साधनों के माध्यम से नियंत्रण कक्ष और स्टेशन मास्टर को दुर्घटना की जानकारी देगा। फिर है तकनीकी सावधानियाँ, तकनीकी सावधानियाँ, सावधानियाँ, तकनीकी सावधानियाँ हम देखते हैं क्या 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 तकनीकी सावधानियाँ हैं। गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी सावधानियाँ बरतेगा, यानी गाड़ी को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए जो भी तकनीकी सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसको बरतेगा। जहाँ भी ब्रेक लगाने हैं, बुडन गेज लगाने हैं, जो भी उसको तकनीकी रूप से गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए करना है, वो गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी सावधानियों को बरतेगा। फिर मदद, मदद में क्या करेगा कि गार्ड को हर संभव वो सहायता करेगा। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट हैं, गार्ड को हर संभव सहायता करेंगे, जैसे कि इंजन चल स्टॉक को हुए नुकसान के आंकलन में, इंजन या फिर चल स्टॉक को, इंजन या चल स्टॉक में को हुए नुकसान के आंकलन में तथा अपेक्षित सहायता के आंकलन में विशेष रूप से गार्ड की सहायता करेगा। अपेक्षित सहायता के आंकलन में, अपेक्षित सहायता के आंकलन में, तो इंजन चल स्टॉक को हुए नुकसान के आंकलन में तथा अपेक्षित तो गार्ड की हर संभव वो सहायता करेगा मदद के रूप में, और इंजन चल स्टॉक को हुए नुकसान के आंकलन में या अपेक्षित सहायता के आंकलन में विशेष रूप से गार्ड की सहायता करेगा।